वॉट इज प्रोजेक्शन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ थ्री डी इनटू इन टू अ टू डी इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन वी हैव द फर्स्ट टाइप इज पैरलर प्रोजेक्शन एंड द सेकेंड टाइप इज परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन एक प्रोसेस है थ्री डी को टू डी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का किसी भी थ्री डी को टू डी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना प्रोजेक्शन का काम होता है प्रोजेक्शन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं प्लेन पर प्रोजेक्शन मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर देना एक जगह से लेकर आना और दूसरी जगह पर दिखाना कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो प्रोजेक्शन है उसके मेनली दो टाइप होते हैं पहला टाइप है पैरलर प्रोजेक्शन और दूसरा टाइप है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वट इज़ पैरलर प्रोजेक्शन वैन द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन सिटेट एट एन इंफीनट डिस्टेंस सच डेट द प्रोजेक्टर्स आर पैरलर टू ईच अदर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन सीज पेरलर प्रोजेक्शन पैरलर प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन का एक टाइप है आप जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की वे सभी पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर आती हैं पैरेलल प्रोजेक्शन टिपिकली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। पैरेलल प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं ड्राफ्टर और इंजीनियर्स। पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट की शेप और स्केल को सेम रखा जाता है पैरलर प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट पोजीशंस को व्यू प्लेन पर ड्रॉ करने के लिए जो पैरलर लाइन्स होती हैं ऑब्जेक्ट की उनको यूज़ करके ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जाता है पैरलर प्रोजेक्शन में जो लाइंस होती हैं वे एक दूसरे से पैरलर होती हैं पैरलर प्रोजेक्शन रियलिस्टिक व्यू प्रोवाइड नहीं करता है ऑब्जेक्ट का पैरलर प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट व्यू प्रोवाइड करता है मींस जिस भी साइज और शेप का ऑब्जेक्ट है उसी शेप और साइज को आपको पिक्चर भी मिलेगी वर्ट इज परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ आ थ्री डी ऑब्जेक्ट वी ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स अलॉन्ग प्रोजेक्शन लाइन्स विच आर नोट पैरलर टू ईच अदर एंड कवरेज टू मीट अ फाइनाइट पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन का सेकेंड मेन टाइप है कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो फर्स्ट मेन टाइप है प्रोजेक्शन का वो है पेरलर प्रोजेक्शन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में होता है, क्या है जो भी थ्री डी ऑब्जेक्ट होता है फॉर एक्ज़ाम्पल कोई क्यूब है तो इस ऑब्जेक्ट की पोजिशंस को व्यू प्लेन पर ट्रांसफ़र किया जाता है और जो लाइन्स निकलती हैं ऑब्जेक्ट से वो एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती द लाइंस ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर अगर हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें रियलिस्टिक पिक्चर मिलती है ऑब्जेक्ट की पस्पेक्टिव प्रोजेक्शन फॉर्म आ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें एक्यूरेट व्यू नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सेम साइज़ नहीं मिलेगा फॉर एग्जांपल आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करनी है तो जो ऑब्जेक्ट का रियल साइज और स्केल होगा ना जो उसका साइज होगा जो उसकी शेप होगी जो उसका स्केल होगा आपको सेम वो पिक्चर में नहीं मिलेगा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे वहाँ पर इसलिए अगर हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें एक्यूरेट व्यू नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो डिस्टेंस पर होता है वॉट इज़ बॉलीगॉन polygon is a representation of the surface it is also called as many sided figure it is primitive which is closed in nature it is formed using a collection of lines the word polygon made up of two words the first word is poly which means many and the second word is cones which means sides polygon means nothing but a shape having many sides ये जो वर्ड है पॉलीगोन ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है फर्स्ट वर्ड है पॉली मीन्स मैनी सेकेंड वर्ड है गॉन्स मीन्स साइड्स जो पॉलीगोन है वो सब फेस की रिप्रेजेंटेशन है पॉलीगोन को हम मैनी साइडेड फिगर भी बोलते हैं क्योंकि पॉलीगोन की काफ़ी सारी फिगर्स होती हैं जो पॉलीगोन है वो प्रीमेटिव है जो कि नेचर में क्लोज होता है पॉलीगोन में कॉमन पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट्स बहुत सारी लाइंस को मिलाकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर पॉलीगोन होता है पॉलीगोन एक क्लोज्ड सर्किट होता है पॉलीगोन इज बेसिकली क्लोज सर्किट विच इज मेड अप ऑफ मैनी लाइन सेगमेंट्स पॉलीगोन लाइन से बनी हुई फिगर होती है शेप होती है पॉलीगोन में कंडीशन होती है कि जो फिगर है वो क्लोज होनी चाहिए अगर कोई फिगर क्लोज नहीं है तो वो पॉलीगोन नहीं है ये एक कंडीशन होती है पॉलीगोन में कि जो फिगर है वो क्लोज होनी चाहिए इन कंप्यूटर ग्राफिक्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉलीगोन वी हैव कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो पॉलीगॉन है उसके टोटल फोर टाइप होते हैं जो फर्स्ट टाइप है वो है रेगुलर पॉलीगॉन सेकंड टाइप है इरेगुलर पॉलीगॉन थर्ड टाइप है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और फोर्थ टाइप है कॉन्केव पॉलीगॉन एग्जाम में पॉलीगॉन की डेफिनेशन प्रोजेक्शन की डेफिनेशन पेर प्रोजेक्शन की डेफिनेशन और पर्स्पेक्टिव प्रोजेक्शन की डेफिनेशन आती है और इन सभी के जो डायग्राम्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुकी हूँ आप वहाँ पे चेक कर लेना डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डायग्राम ज़रूर रेडी करना हर एक टॉपिक का डायग्राम आपको रेडी करना है और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स है वे भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे